आखिर है, किस तरह का सीन चल रहा है आपका पहला भोजपुरी फिल्म है, क्या किस तरह का एक्सपीरियंस है? अभी एक्सपीरियंस तो स्टार्ट नहीं हुआ है मेरा तो मैं कुछ बता नहीं सकता, बट जो पर्सनली मेरा फेवरेट है कि नेगेटिव, तो वही कर रहा हूँ मैं इसमें, और कुछ ठरकी नेगेटिव टाइप का बंदा है तो, और मुझे बड़ा बड़ा अंदर से बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार भोजपुरी फिल्म कर रहा हूँ, और नहीं तो पिछले 10 साल से ओनली सिर्फ हिंदी फिल्म्स एंड सीरियल्स करता हूँ, तो खुद की मदर टंग है तो एक दिल से बहुत खुशी हो रही है। और जो डायरेक्टर हैं उनसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कास्ट भी कर लिया, और मैंने बोला कि मैं भोजपुरी करना चाहता हूँ, मैंने खुद से बोला उनको कि मैं भोजपुरी फिल्म करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी मदर टंग है और मैं अपनी मदर टंग को बहुत मिस कर रहा हूँ। देन उन्होंने ये रोल ऑफर किया एंड मुझे भी अच्छा लगा एंड बस। कोई खास वजह भोजपुरी में आने का, जब काफी हिंदी फिल्मों में काम किया तो अचानक भोजपुरी में आना, क्या कुछ खास? जी एक इंसिडेंस हो गया था इस बार कि मैं करीब 4-5 साल बाद मैं अपने घर गया गांव इस बार होली में, तो वहाँ जो मेरे फैंस हैं जो क्राइम शो मेरा देखते हैं और जो मेरी हिंदी फिल्म देखते हैं, लास्ट जो किक आई थी जो बहुत बड़ी सुपरहिट थी 2014 की, तो उसमें रणदीप हुड्डा के बाद मेरा मेन सी बी आई ऑफिसर का रोल था, उनका मेन असिस्टेंट सी बी आई था और थ्रू आउट पूरी फिल्म में था, तो वहाँ लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो उन्होंने बोला कि आप भोजपुरी क्यों नहीं करते, बिकॉज हम भोजपुरी बहुत देखते हैं और यहाँ आपकी मदर टंग है और भोजपुरी फिल्म्स के बहुत सारे फैंस हैं यहाँ भी, तो मेरे दिल को भी ये बड़ी पॉजिटिव बात लगी और मुझे लगा कि भोजपुरी करनी चाहिए क्योंकि मैं अदर लैंग्वेज का होता तो सोचना पड़ता, बट मैं भोजपुरी का होके भोजपुरी ना करूँ, अपने ही लैंग्वेज को सपोर्ट ना करूं तो बहुत गलत बात है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट भोजपुरी से पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया और कभी उस तरफ ध्यान नहीं गया, जबकि आज भोजपुरी का बड़ा मार्केट है और काफ़ी ऑडियंस है और काफ़ी पॉपुलरिटी है उस चीज़ की, बॉलीवुड में भी काफ़ी आजकल तो भोजपुरी के गाने बॉलीवुड के सीरियल्स में, हिंदी सीरियल्स में एंड कॉमेडी शोज़ में एंड काफ़ी जगह यूज होते हैं, और आज भोजपुरी के स्टार्स को भी एक्टर्स को भी बॉलीवुड में काफ़ी लोग जानते हैं, एक रिस्पेक्ट मिलती है, तो करनी चाहिए और अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। सर जिस तरह से आपने कहा कि 4 से 5 साल के बाद गांव में गए आपने, जी भोजपुरी फिल्मों में गाना, कोई भोजपुरी बोलना से कोई आप दिक्कत नहीं है भोजपुरी लैंग्वेज बोलना आपको? नहीं मैम, बिकॉज मेरी कॉलेज तक की पढ़ाई तो बिहार में ही हुई है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी हुई नहीं, वो तो स्टार्टिंग से मैं बचपन से भोजपुरी बोलता आया हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं 4-5 साल का गैप हो गया तो मैं अपनी मदर टंग भूल जाऊँगा। अच्छा, फिर किरदार के बारे में बताओ, किस तरह का किरदार कर रहे हैं इस फिल्म में आप? इस फिल्म में जो मेन विलेन है उनके बेटे का रोल है और बहुत नालायक नकारा आवारा टाइप का बंदा है, लड़कीबाज है एंड समथिंग, बहुत ही मतलब बुरा कैरेक्टर है जो कि रियल लाइफ में भगवान ना करे खुदा ना करे कि कोई हो ऐसा, हर आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए, हर आदमी को लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि मतलब बुज़ुर्गों ने भी कहा है और हमारे देश की परंपरा है कि बेटियां शान होती है, तो रियल लाइफ में तो अपनी बेटियों बहनों की बहुत इज्जत करनी चाहिए, लेकिन इस कैरेक्टर के थ्रू मुझे ये भी इसलिए भी ये कैरेक्टर पसंद आया क्योंकि इस कैरेक्टर के थ्रू हम समाज को दिखा सकते हैं कि बुराई कितनी भी बुरी हो उसका ख़त्म होना ज़रूरी है, और इस कैरेक्टर में भी मेरा यही है। सर जिस तरह से अभी हाल ही में सेंसर बोर्ड ने अश्लीलता को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट हुई है सेंसर बोर्ड, अभी आपको लगता है इससे भोजपुरी का थोड़ा होगा क्योंकि भोजपुरी में ज़्यादातर अश्लीलता दिखाई जाती है, कुछ कुछ ऐसी नहीं? ये मैंने सुना है, मैं फिल्म तो पहली बार कर रहा हूँ भोजपुरी, लेकिन मैंने ऐसा सुना है लोगों से कि भोजपुरी में अश्लीलता दिखाई जाती है, ऐसा ऐसा कहाँ अश्लीलता दिखाई जाती है, मुझे तो नहीं लगता है। क्या अश्लीलता दिखाई जाती है? अश्लीलता देखने वाले के नज़रिए में होती है, आप किस वे में लेते हैं और उस सीन को शूट करने का मेकिंग का तरीका क्या है। अदरवाइज बड़े बड़े लीजेंड हुए हैं किसी ज़माने में, उन्होंने पूरा टॉपलेस और कई सारे ओपन शॉट्स शूट किए हैं, लेकिन उनको अश्लील कभी नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? बिकॉज उनकी मेकिंग सेंस वैसी थी कि ये उस कहानी से, उस सीन से रिलेटेड थी, तो आप उस कहानी के थ्रू समाज को ये दिखा रहे हैं कि ये चीज़ है और ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है, तो उसमें अश्लीलता जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता भोजपुरी में कोई अश्लीलता है। नॉर्मल जब आजकल
मेट्रो सिटी में देख लीजिए या फॉरेंस में देख लीजिए, लड़का हो या लड़की, हर किसी को आज़ादी से जीने का, आज़ादी से अपने कपड़े पहनने का हक है, और शॉर्ट्स पहनते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। वो क्यों नहीं पहन सकते, क्यों नहीं अपनी आज़ादी से जी सकते, क्यों बंदिश में रहे? तो वही चीज़ हम अगर फिल्मों में दिखाते हैं तो हम गलत कहाँ हैं? कोई अश्लीलता नहीं है। आप हम मतलब हम सब उसको किस नज़रिए से देखते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे भोजपुरी में कोई अश्लीलता नज़र नहीं आती, मुझे ऐसा कुछ कभी दिखा नहीं। अच्छा, व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए, और मेरी पहली भोजपुरी फिल्म है तो सुपर हिट हो, और मैं दुआ करता हूँ कि सारी फिल्में सुपर हिट हों, क्योंकि हम सब आपका प्यार चाहते हैं। आप हमारे, आप जो ऑडियंस हैं हमारे लिए भगवान की तरह हैं, और हमारे बॉलीवुड में एक फिल्म बनाने के पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है, कितने परिवारों का पेट पलता है, और हम आप सबको मनोरंजन देना चाहते हैं, आपको एक खुशी देना चाहते हैं, तो हम आपको ऐसे ही खुशी देते रहें और हमेशा खुश रहें आप लोग। थैंक यू। और दर्शकों को भी नमस्कार करना चाहता हूँ। ये हमारी फिल्म है और इस फिल्म के डायरेक्टर है हमारे साथ जी हैं, और ये हमारी फिल्म भोजपुरी फिल्म है तुम्हारे प्यार की कसम, इसकी शूटिंग चल रही है, मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ, तो बड़ा खुश हूँ। पुलिस स्टेशन में काफ़ी हंगामा चल रहा है, विलन आके दबंगई दिखा रहे हैं, तो किस तरह से निपटेंगे इसे? देखिए, दबंगई तो विलन दिखाते ही रहते हैं, लेकिन हमें अपने कानून को मद्देनजर रखते हुए अपने फर्ज को पूरा करना है, और सख्त से कड़ी सजा भी देनी है, और इसमें काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, तो उसका सामना तो करना ही है। सर, जिस तरह से फिल्म की बात की जाए तुम्हारे प्यार की कसम, नाम पे ऐसा कुछ अगर रोमांटिक फिल्म है, तो क्या रोमांटिक के अलावा एक्शन भी दिखाई देगा? जी, रोमांटिक फिल्म है, लेकिन बहुत ही अच्छा फिल्म है और एक्शन है इस फिल्म में। सर, फिल्म के किरदार की बात करें तो किस तरह का किरदार होगा आपका? जी, इस फिल्म में मेरा बहुत ही अच्छा किरदार है, और एक अच्छा शरीफ इंस्पेक्टर का किरदार है, और अपने आप को एक प्रूफ करता है, सच्चाई से लड़ता है और अपना फर्ज को पूरा करता है। जैसे भोजपुरी फिल्म में म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक बहुत बड़ा, फिल्म को हिट कराने के लिए म्यूजिक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो क्या इस फिल्म में कुछ ऐसा म्यूजिक? जी, ये इस फिल्म में तो बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, बहुत ही अच्छे रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा, ये नहीं कि मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ तो बोलूँगा, लेकिन गाने बहुत ही अच्छे हैं, और आइटम भी है तो अलग हट के आइटम है, और गाने भी है तो बहुत ही अच्छे गाने, बहुत प्यारे गाने हैं। पारिवारिक फिल्म होगा, परिवार अपने पारिवारिक फिल्म जैसे सिनेमा घर में परिवार के साथ लेके जा सकते हैं फैमिली? जी, ये बेसिकली फैमिली पारिवारिक ही फिल्म है, और बहुत अच्छी फिल्म है, एक सच्चा प्यार करने वाला, एक अच्छा इंसान को और कैसे हैवानियत ये लोग करके और सलाखों के पीछे धकेल देते हैं, और एक सीधा साधा इंसान, बोलते हैं ना कि इंसान का बिगड़ा हुआ रूप बहुत भयानक होता है, तो भयानक बनता है, और वो उसी को, वो मेरा दोस्त रहता है और मुझे मिलता है कि भाई इस गांव में जाओ, ये बहुत ही बड़ा मुजरिम है और इसको पकड़ के तुम कैसे करना है, लेकिन मैं वहां जाता हूं, मुझे पता चलता है कि नहीं, ये तो मेरा ही दोस्त है और इसके साथ ऐसे से हुआ है, फिर मैं अपने पुलिस बल और अपनी ताकत से उन लोगों को अरेस्ट करता हूँ और जो भी अंजाम तक पहुँचाता हूँ। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि भाई मैं आ रहा हूँ, और आप लोग प्यार सन